हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन एपिसोड 20 के साथ आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जेयू डीमन लॉर्ड अपने ड्रैगन के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आ जाते हैं। ज़्यादा बकचोदी ना करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें एपिसोड के शुरू में जेयू डीमन लॉर्ड का ड्रैगन का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन नीचे उतर जाता है। ड्रैगन वहाँ पर उतरने के बाद हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन वहीं पर दहाड़ लगाना शुरू कर देता है। प्रतियोगिता यह सभी चीज़ों को देखने के बाद प्रतियोगिता चौंकते हुए कहते हैं कि देखो ड्रैगन के ऊपर लोग हैं। हमें दिखाया जाता है कि जियांगो जैसे ही ड्रैगन के ऊपर से सभी प्रतियोगिता को देखती है, जियांगो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि वह सभी लोग मिलकर जियांगो को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया करते थे। जियांगो को घबराता हुआ देखकर हमें दिखाया जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड जियांगो को गोद पर उठा लेता है। गोद पर उठाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जियांगो बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगती है। जेयू डीमन लॉर्ड जियांगो को उठाने के बाद कहता है कि चलो राजकुमारी नीचे चलते हैं। यह सभी बातें सुनने के बाद जियांगो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है। हमें यूनबो का सीन दिखाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा शर्माते हुए जेयू से कहती है कि जेयू मैं भी यहाँ पर हूँ। हमें दिखाया जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड यूनबो को इग्नोर करते हुए जियांगो को उठाते हुए ड्रैगन से नीचे लेकर आ जाता है। जेयू का नीचे आता हुआ देखकर रोमा और यूनबो भी नीचे उतर जाती हैं। जेयू चिल्लाते हुए सभी से कहता है कि मुझे यहाँ पर लेट आने के लिए मुझे माफ़ कर दो। जियांगो को वहाँ पर देखकर मास्टर जोंग हंसते हुए कहते हैं कि लास्ट में जियांगो तुम यहाँ पर आ गई। मास्टर जोंग की यह सभी बातें सुनने के बाद जेयू बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि मास्टर जोंग जियांगो के पास आते हुए कहते हैं कि तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि यह प्रतियोगिता तुम जैसे लड़कियों के लिए नहीं है। क्या तुम अपने आप को शर्मिंदा करवाने के लिए यहाँ पर आई हो। मास्टर जोंग की यह सभी बातें सुनने के बाद जियांगो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। जियांगो की यह सभी बातें कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि मास्टर जोंग वहाँ से जाने वाले होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड जियांगो से कहता है कि कोई भी मास्टर किसी को नीचा नहीं दिखलाता। यह सभी बातें कहने के बाद जेयू डीमन लॉर्ड वहीं पर हंसने लगते हैं। डीमन लॉर्ड को हंसता हुआ देखकर मास्टर जोंग वहां से जाते हुए अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें बाद में नहीं छोड़ूंगा। मैं उसके बाद लियानो का सीन दिखलाया जाता है। लियानो ड्रैगन को दिखलाते हुए अपने गार्डों से कहता है कि अगली बार मैं इस पर आऊँगा। यह सभी बातें सुनने के बाद सभी गार्ड बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। गार्ड अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि लियानो क्या पागल है, क्या हम इतने बड़े ड्रैगन को कहां से लेकर आ सकते हैं। हमें दूसरे सीन में जियांगो के मास्टर और सोंग बाई का सीन दिखलाया जाता है। वह दोनों मिलकर यह सभी बातों को सुन रहे होते हैं। दूसरे सीन में जियांगो का सीन दिखलाया जाता है। जियांगो शर्माते हुए जेयू का हाथ पकड़ लेती है। जेयू का हाथ पकड़ता हुआ देखकर इनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। हमें रोमा का सीन दिखलाया जाता है। रोमा जेयू के कान में कहती है कि यह तीन सिर वाला ड्रैगन तो केवल डीमन लॉर्ड के पास होता है। रोमा की ऐसी बातें सुनने के जेयू रोमा से कहता है कि ऐसी बात है क्या। हमें जेयू डीमन लॉर्ड के पीछे का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि ड्रैगन ने यूनबो को अपने मुंह से ऊपर उठा लेते हैं। यूनबो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रही होती है। हमें जियांगो का सीन दिखलाया जाता है। जियांगो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। दिखलाया जाता है कि ड्रैगन जेयू डीमन लॉर्ड को अपने जीभ से चाट रही होती है। ऐसा करता हुआ देखकर जेयू डीमन लॉर्ड हंसते हुए कहता है कि याना यह सभी चीज़ करना बंद करो। यह सभी बातें सुनने के बाद रोमा बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। जेयू की यह सभी बातें सुनने के बाद रोमा चौंकते हुए कहती है कि फोक्स कियाना। हमें जियांगो का सीन दिखलाया जाता है। जियांगो चौंकते हुए कहती है कि यह कौन है। हमें यूनबो का सीन दिखलाया जाता है। यूनबो चौंकते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ। रोमा चौंकते हुए जेयू से कहती है कि बाई के साथ लड़ाई में तुम और फोक्स कियाना एक साथ मर्ज हो गए थे, लेकिन फोक्स कियाना मर गई थी ना। यह सभी बातें सुनने के बाद जेयू रोमा से कहता है कि सही में। रोमा चौंकते हुए जेयू से कहती है कि मैं समझ गई उस समय क्या हुआ था। तुम फोक्स कियाना के साथ मर्ज होकर बाई पर हमला करने के लिए आगे बढ़ गए थे, तो यूनबो ने आकर तुम्हें पीछे से रोक लिया था, जिसके कारण फोक्स कियाना वहीं पर बच गई थी। मैंने सही कहा ना जेयू। यूनबो की यह सभी बातें सुनने के बाद जेयू चौंकते हुए कहता है कि हाँ। जेयू डीमन लॉर्ड अपने मन में सोचते हुए कहता है कि रोमा बहुत ही ज़्यादा समझदार है, मैंने कुछ कहा भी नहीं, रोमा ने सभी कुछ अपने आप ही कह दिया। क्योंकि यह सभी बातें सुनने के बाद हमें जियांगो के मास्टर का सीन दिखलाया जाता है। जियांगो के मास्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम सभी को मरने की इच्छा है, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा कर देता हूँ। जियांगो की मास्टर की यह सभी बातें सुनने के बाद यूनबो का सीन दिखलाया जाता है। यूनबो जेयू के सामने आकर खड़ी हो जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि यूनबो को जेयू में चिपकता हुआ देखकर जियांगो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। हमें उसके बाद जियांगो के मास्टर का सीन दिखलाया जाता है। जियांगो के मास्टर गहरी सांस लेते हुए वहां पर जोरदार चिल्लाते हुए कहते हैं कि अभी प्रतियोगिताओं मेरी बात को ध्यान से सुनो। हमें दिखलाया जाता है कि जियांगो के मास्टर इतनी जोर से चिल्लाते हैं कि अभी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी अपने कान को बंद कर लेते हैं।
यांगो के मास्टर चलाते हुए कहते हैं कि मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं और तुम इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए यहाँ पर क्यों आए हो। मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारे हथियार और तुम अपने टीम के साथ कितना ज़्यादा शक्तिशाली हो। यांगो के मास्टर की ये सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि यांगो के मास्टर की ये सभी बातें सुनने के बाद ड्रैगन वहीं पर बेहोश होना शुरू हो जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि ड्रैगन धुएं में बदलकर फॉक्स कियाना में बदल जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि वो फॉक्स कियाना होती है। हमें दिखलाया जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड फॉक्स कियाना को उठा लेता है। यांगो के मास्टर चिल्लाते हुए कहता है कि इस मोड़ पर तुम सभी अपने आप पर भरोसा कर सकते हो। हमें दिखाया जाता है कि सभी प्रतियोगिताओं अपने शील्ड से यांगो के मास्टर की आवाज़ों से बच रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि यिनबो भी अपने आसपास शील्ड बना लेती है यांगो के मास्टर की आवाज़ों से बचने के लिए। हमें दिखाया जाता है कि जो कमज़ोर लोग इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए होते हैं वो यांगो के मास्टर की आवाज़ से कोई भी नहीं बच पाता। वहाँ पर कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि यांगो के मास्टर कहते हैं कि तो विरासत की लड़ाई को प्रतियोगिता को शुरू करते हैं। यांगो की मास्टर की यह सभी बातें सुनने के बाद एक लड़का घबराते हुए कहता है कि क्या वह हमारी परीक्षा नहीं थी। यह सभी बातें सुनने के बाद यांगो के मास्टर कहते हैं कि वे तो बस मैं तुम सभी को शांत करने के लिए बस मैंने यहाँ पर चिल्लाया था, अब तो प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। यांगो के मास्टर मैजिकल लंच बॉक्स को फेंकते हुए कहते हैं कि फोर्ट जियोंग में डिलीवरी कार्य करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है पहले राउंड के लिए। आप सभी को इस मैजिकल लंच बॉक्स को इसकी मंजिल तक पहुंचाना है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि विरासत की लड़ाई में पहले राउंड में क्या क्या होता है। अगला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। इसी के साथ आप सभी को नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।